सो फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हो, तो आज इस वीडियो में आपको एक न्यू अर्निंग सोर्स के बारे में बता दूंगा जो कि सीएससी वीएलई एक काम कर सकता है, जो कि मोबाइल फोन को यूज करके भी इस काम को आप कर सकते हो एंड कस्टमर से अच्छा खासा पैसा आप ले सकते हो। आज का डेट में सबसे ट्रेंड में है जो स्कीम गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम पे बहुत पब्लिक नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो आप इस काम कर सकते हो, इस सर्वे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप सीएससी वीएलई हो तो बहुत ही कम समय में, सिर्फ 2 मिनट में इस काम को कर सकते हो एंड आपका आसपास जितना भी पड़ोसी है जो इंटरेस्ट है इस सोलर पैनल को लगाने के लिए, तो इसके लिए आप सर्वे में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड कस्टमर से अच्छा खासा पैसा ले सकते हो। तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। सो गाइस, अगर आपका पास अभी तक सीएससी आईडी नहीं है तो किस तरह से 24 आवर्स में आपका सीएससी आईडी मिलेगा, इसका भी कंप्लीट जानकारी एक वीडियो में बता दिया था, जो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर जरूरत पड़े तो एक वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लीजिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, QRT PM सूर्य घर। ये जो एप्लीकेशन है ये CSE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड का एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में सर्च करना है तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। सिंपल इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है इस ऐप को ओपन। तो जब ओपन करो तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, कुछ परमिशन पूछेगा जिसको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद जाकर मिल जाएगा लेट्स स्टार्ट, तो सिंपल लेट्स स्टार्ट में करना है क्लिक। लेट्स स्टार्ट में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए या लॉगिन करने के लिए चारों ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जाना है CSE VLE, जो फर्स्ट जो ऑप्शन है CSE VLE, सिंपल इसमें करना है क्लिक। CSE VLE में क्लिक करने के बाद अगर लॉग इन करना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या कि फॉरगेट पासवर्ड का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो लॉग इन किस तरह करना है, सबसे पहले पता है CSE ID, तो आपका जो CSE ID है वो आप एंटर करना है। देन है पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है, CSE में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है उसी मोबाइल नंबर ही यहाँ पे पासवर्ड बनेगा। तो सिंपली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिए एंड जो भी कैप्चा यहाँ पे आएगा उस कैप्चा को यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर करना है एंड लॉग इन बटन में करना है क्लिक। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसलिए स्टार्ट सर्वे में करना है क्लिक। स्टार्ट सर्वे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर रूफ टॉप सोलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरह से एक फॉर्म मिल जाएगा, जो फॉर्म को आपको सही से फिल करके सबमिट करना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर, तो कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वैलिड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर पे एंटर कर दीजिए। जब मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो यहाँ पे OTP का बटन आएगा, गेट OTP करना है। तो कस्टमर का मोबाइल में OTP आएगा, OTP को फिल करना है एंड सबमिट कर देना है। ठीक है, OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पूछा था व्हाई द कंज्यूमर इज इंटरेस्ट इन सोलर इंस्टॉलेशन अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका मीन्स है जो क्लाइंट का मोबाइल नंबर एंटर करते हो, वो क्लाइंट इंटरेस्ट है ना PM किसान सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन करने में, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है या दो ऑप्शन मिल जाएगा यस एंड नो, आपको हमेशा इसको यस ही करना है। अगर आप नो कर देंगे तो फॉर्म आप भर नहीं सकते हो। ठीक है, उसके बाद पूछा था इस कंक्रीट रूफटॉप आदर स्पेस अवेलेबल फॉर सोलर इंस्टॉलेशन। सोलर इंस्टॉलेशन करने के लिए घर में कुछ स्पेस होना चाहिए। अगर उस क्लाइंट का रूफटॉप मतलब छत है जिसके रूफ कहा जाता है, अगर कंक्रीट का रूफ है वो भी आप बता दीजिए, या फिर आदर्स कोई स्पेस है जहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन होगा, तो यहाँ पे भी आपको यस करना है। अगर नो कर लेंगे तो फॉर्म नहीं भर सकते, तो हमेशा इसको यस करना है। उसके बाद है अपार्टमेंट ओन और रेंट, जो घर में वो सोलर इंस्टॉलेशन करेगा वो घर उस क्लाइंट का खुद का है, वो उसका ओनर हो या फिर वो घर रेंटेड है, तो जो आपका कस्टमर का जो अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अगर रेंट है तो रेंटेड, अगर ओन है तो ओन देना है। उसके बाद रूफ टॉप ओन शेयर, इसका मीन्स है जो छत है, जो छत में जो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होगा वो छत खुद का है या किसी और का है, मतलब शेयर में है। ठीक है, तो जो भी है अगर खुद आप इंडिविजुअल आप आपका छत है तो आप ओन कर दीजिए, अगर वो छत
एक से ज़्यादा लोगों का शेयर रहे तो शेयर में क्लिक कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट कर दीजिए। तो जो भी हो आपका अकाउंट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंज्यूमर नेम, जो भी कस्टमर है उस कस्टमर का नेम कैपिटल में फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है। स्टेट, तो ड्रॉपडाउन पर क्लिक करना है, जो स्टेट में वो कस्टमर बिलोंग करता है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट का अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे शो होगा, तो आपका क्लाइंट का डिस्ट्रिक्ट क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, जो डिस्ट्रिक्ट में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वो आपको ड्रॉपडाउन में क्लिक करना है, वो लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी कंपनी से पहले से बिजली लेता है, जो कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूटर से, उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं वेस्ट बंगाल एंड डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 PGS चूज किया था, इसलिए यहाँ पे एक ही कंपनी शो हो रहा है, WBACDCL, ठीक है। तो मुझे यही चूज करना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है तो उसका भी लिस्ट आएगा। तो जो भी है कस्टमर के पूछो एंड उसको साइज से फिल कर दीजिए। उसके बाद कंज्यूमर नंबर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बिल होता है उसका, जो कस्टमर का जो इलेक्ट्रिक बिल होता है, इस बिल में एक कंज्यूमर नंबर होता है, उस कंज्यूमर नंबर या उपभोक्ता नाम संख्या को यहाँ पे फिल कर देना है। इसलिए कस्टमर को बोलना होगा उसका जो बिजली का बिल है उसको लेना आना होगा, उस बिल में जो कंज्यूमर नंबर है उसको फिल करना है। अपलोड फोटो ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद कस्टमर का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो बिल 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस बिल का एक फ़ोटो कैप्चर करना होगा, पहले से गैलरी में रखना होगा। उसके बाद अपलोड फोटो इसका ऊपर ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएगा, टेक फोटो में क्लिक करिए तो आपको लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा ओपन हो जाएगा। चूज फ्रॉम लाइब्रेरी चूज करोगे तो आप गैलरी से उस फोटो को अपलोड कर सकते हो। तो जो भी हो आप अपलोड कर दीजिए सही से क्लियरली। उसके बाद ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे पता है ईमेल आईडी कोई मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे स्टार मार्क है वही मैंडेटरी होता है, ईमेल मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट एरिया अवेलेबल फॉर सोलर इंस्टॉलेशन इन स्क्वायर फीट, जो रूफ है या फिर आधा जो स्पेस है जहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन होगा वहाँ पे कितना स्क्वायर फीट का स्पेस है, वो आपको लेंथ एंड वाइड को इंटू करके जो भी स्क्वायर फीट आएगा उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद फोटो ऑफ कंक्रीट रूफटॉप और अदर्स एरिया हुआ सोलर पैनल कैन बी इंस्टॉल, उसके बाद जो स्पेस में आप सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हो उस स्पेस का एक फोटो लेना होगा, मोबाइल से कैप्चर करना होगा। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करोगी तो आप टेक फोटो वाला लाइव कैमरा ओपन होगा, आप चाहो तो उस फोटो को लाइव क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा भी आप पहले से आपका गैलरी में इसको कैप्चर करके रख सकते हो, चूज फ्रॉम लाइब्रेरी करके फाइल को चूज करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आएगा, जो कैप्चा को आपको कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है, सॉरी, उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक करना होगा, उसके बाद सबमिट बटन में करना है क्लिक। तो जब सबमिट में क्लिक करोगे तो इस तरह पॉपअप आएगा, डेटा सेव सक्सेसफुल। तो गाइस इसी प्रोग्राम में अगर आप CSC VLE हो तो कस्टमर के लिए इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना हो कर दीजिए, जो कि आपका सर्वे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आप कंपनी से चार्ज लीजिए, जो भी चार्ज आप लेंगे वही आपका कमाई हो जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में पूरा लाइव दिखा दिया था क्या क्या चीज़ करना है, किस तरह से ऐप को लॉगिन करना है, किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी क्वारीज है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। सो गाइस इस तरह CSC रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी इस चैनल पर मिलते रहेगा, जो कि आपका अर्निंग को और भी 2 गुना बढ़ा सकता है। तो इस तरह वीडियो देखने में अगर आप इंटरेस्ट हो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जब भी कोई मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।